अभी हम लोग पत्थर को बाहर निकालेंगे, अभी जो कटर में फंसा हुआ है उस पत्थर को बाहर निकालेंगे। देखो ये पत्थर, एंट्री वाला पत्थर आई भाई, ये पत्थर टुकड़ा टुकड़ा है, है ना? हाँ, ये है भाई पानी वाला पत्थर। इस पत्थर में क्या खासियत है मिस्त्री, थोड़ा सा बता दो। ये पत्थर है पानी वाला है, माथे माथे कर। रहने दो रहने दो रहने दो, जैसा है वैसे ही रहने दो। नजारा दिखाएंगे, इसको बता देते हैं। हाँ। और मिलेगा या नहीं मिलेगा बनाने के लिए हमको। हाँ ये देखो उखड़ गया। हाँ ये है। हाँ ये ऐसा रहता है सर। हाँ ये चिपका रहता है ये लोग। हाँ ये देखो, चप्पल को थोड़ा सा निकाल दो भाई। बता रहे हैं फिर हम। ये ऐसे ऐसे बलून की तरह रहता है। हाँ ये देखो। हाँ है ना। ये है इसका पानी वाला पत्थर। ये देखो सर। अच्छा है ना? ना है। हाँ ये ऐसा रहता है। अच्छा अच्छा, ये पानी वाला पत्थर, थोड़ा पानी डाल के धोकर देख दिखाओ तो, हमारे पब्लिक देखना चाह रही है। ये जो पानी रुको रहा हूँ ना मैं अभी। हाँ ऐसा ही बस बहाते रहेगा वो पानी। अच्छा ये ऐसी है, मतलब हमारा जो खुदाई हुआ उसमें ये जो अंदर की स्ट्रक्चर इसी तरह से बनी हुई है, तो यहाँ पानी रहता है। ये पानी वाला है, अब चालू हुआ है सर। अच्छा अब पानी वाला पत्थर चालू हुआ है, अब और बंद हो रहा है और पानी वाला चालू हो रहा है। अच्छा ये कर रहा है मेरे को, मगर ये इसमें देख लो भाई, हमारी बदकिस्मती देख लो, हमारा बोर अभी पानी लगना शुरू हुआ है, 165 फीट की लगभग गहराई में गया है। दिखा दो भाई, दिखा दो एक बार और। लेकिन अब क्या करें, हमारी बदकिस्मती को, हमारा इस जो मशीन के मालिक उनके साथ हमारा थोड़ा से अंतिम स्टेज में अनबन की स्थिति आ गई है। ठीक है। हाँ ये पानी वाला पत्थर है भाई, देख लो ये, ये, वाला नहीं। ये इसमें ये बड़ा दिख रहा है उसमें पानी नहीं है, ये जो टुकड़ा है ये पानी वाला है। हाँ ये एकदम पूरा काला है, देख पत्थर। हाँ ये पत्थर मैं पहले कहा था काला आएगा, उसके बाद हरा टाइप से आएगा, फिर पानी निकलेगा, और पानी के पास में जाके मेरा किस्मत को देखो खराब हो रहा है। काला ही नहीं सर। हाँ ये पूरा काला, इससे और काला भी थोड़ा से होते होते जाएगा ये। हाँ ये है इसका ओरिजिनल काला, ये है इसका ओरिजिनल काला भाई, देख लो ये है ना, ये देख लो। थोड़ा सा हाथ में भी पानी डाल दे भाई, कैमरा को पकड़ना है अभी, है ना? तो देख लो इस तरह का निकलता है पानी वाला पत्थर ये है भाई। लेकिन देखो मालिक आके बोल रहा है मैं नहीं चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा, मेरे को नहीं पोसा रहा है। आज हमारे उनके बीच में थोड़ी सी अनबन भी हो गई, दो दिन बाद ले जाऊंगा बोला, तो मैं बोला या दो दिन क्या है, तो इंतजार करोगे भाई, आज ही ले जाओ, है ना? थोड़ा सा ठीक ठीक ठीक। देखो आप लोग देख लो, ऐसा निकलता है पानी वाला पत्थर, टुकड़ा 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 रहता है। लेकिन अब देखो बदकिस्मती हमारी, यहीं से हमारा बोर खुदाई का काम बंद हो रहा है, पानी के पास में पहुंचकर हम नहीं खोद पा रहे हैं, क्योंकि मालिक इसका जो मशीन का मालिक है वो साहब बोल रहा है कि हम अभी ले जाएंगे, तो मैं भी बोल रहा हूँ हिसाब किताब करा ले, हिसाब करूँगा तभी उनका बहुत सारा लंबा चौड़ा मुझे पैसा देगा। खैर ये खुदाई को हम किसी और से करवाएंगे, आएगा दूसरा आएगा, लेकिन ये लोग चले जाएंगे शायद, ये इस बोर का और जो हमारे मैकेनिक लोग हैं इस उनका यह अंतिम प्रयास है, अंतिम प्रयास था, पानी निकलने के करीब हम पहुंच गए हैं। लेकिन अब बदकिस्मती देखो, बोलते हैं ना जब संकट आती है तो सभी तरह से आता है, लेकिन जब सुनहरे पल जब आने शुरू हुआ, सुनहरे पल आना शुरू हुआ, तो मशीन लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं नहीं चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा। बात हुई थी 2 महीने का, लेकिन जब हमारा मैकेनिक कल था उनसे बात कर रहा था, तो यही बोल दिया वो अपनी ऐसी तैसी कराए मैं अपनी मशीन ले जाऊंगा, तो मेरी भी थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया भाई। मैं मशीन लाया हूँ मशीन चलाने के लिए, बोर खुदाई हो रहा है, लेकिन बोर ऐसी तैसी कराए तो किसको बुरा नहीं लगेगा भाई, पैसे तो हमने दिए हैं, जितना मैकेनिक है उनको भी पैसे दिए, मालिक को भी पैसे दिए, उसके बावजूद क्या हम अपना ऐसी तैसी कराए? वो जो बोर है अच्छा है, जैसे हमने बोल दिया भाई आपको ले जाना है ले जाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई और आएगा, है ना? अब ये सब निकाल रहे हैं, देखो निकाल रहे हैं, अब इसको साफ करेंगे, उसके बाद हम किसी और बोरवाल वाले को बुलाएंगे, क्योंकि हमारे बाजू में तो यहाँ केसिंग डालना है, बोल दिया केसिंग में नहीं डालूंगा, ऐसा है। मैं उसको बोला भैया एक कल और परसों 2 दिन चलाऊंगा, बोला मैं बोला एक दिन और समय दे दे, इसमें केसिंग लगा लूंगा,
तो बोले नहीं नहीं मैं ले जाऊंगा, तो अपना ऐसी तैसी करा। तो अब देखो ऐसी सिचुएशन है, तो मैं बोला भैया ठीक है मेरा हिसाब किताब पहले कर दो, क्योंकि ऊपर मुझे पैसा भी और देगा है ना, क्योंकि डीजल भी मेरा, चर्रा भी मेरा, मैकेनिक का चार्ज भी मेरा, उनका भी पेमेंट मेरा, तो इस तरह से मुझे अभी और पैसा देगा वो। तो उस पैसे से क्या है, मैं दूसरे गाड़ी वाले को मैं बुलाऊंगा, मशीन वाले को, इससे खुदाई करवाऊंगा। तो देख लो भाई इस तरह के पत्थर जो मिलते हैं ना इसमें पानी रहता है, मैं पहले भी कह दिया था 200 फीट के आसपास अगर चला गया तो इसमें पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, मैं आपको पक्का पहले बताया था। ये तो देख लो ये पत्थर जो है पानी वाला पत्थर है, ये इसमें पानी बहती रहती है ना, इसमें पानी बहती रहती है, देख लो भाई। लेकिन वो ले जाऊंगा जीत कर रहा है, भैया मैं ले जा, चल ठीक है हिसाब किताब कर ले। तो ऐसा है भाई, मेरा तो प्रयास था कि कम से कम 2-3 दिन और चल जाए मशीन, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं लेके ही जाऊंगा। अब लेके जाऊंगा क्योंकि जीत कर रहे तो मैं कैसे करूँ बताओ। अब भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है सर भर का, लेकिन मान ही नहीं रहा है वो, लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है भैया ले जा, ये हमारे नया मैकेनिक है आ जा रहे हैं, है ना। अभी भी क्या कहें, लोगों को भी सबको दुख हो रहा है, सबको दुख हो रहा है, यहाँ से मशीन जा रही है तो, है ना, सबको दुख हो रहा है, हमको भी बहुत दुख हो रहा है यार, क्या करें, हमें दूसरे मशीन वाले को बुलाना पड़ेगा। अब इसकी जो है इसको सफाई करेंगे, हम सुबह तो पानी भर भुजा के रखे थे सब, है ना, हमारी खुदाई होगा कहकर। लेकिन वो जीत कर दिया कि यहाँ से ले जाऊँगा कहकर। मैं बोला चलो ठीक है भाई ले जाओ, अब क्या करें, हमारा काम यहीं को रुक रहा है, है ना। अब इसको नापेंगे कितनी फीट की खुदाई हुआ है, उसके साथ उसको पेमेंट हो चुका है, वो हमको और पैसा देगा, उसके बाद गाड़ी को ले जाएगा यहाँ से, ठीक है, दूसरी गाड़ी वाला आएगा उससे हम खुदाई करवाएंगे। तो भाई हमारा यह वीडियो कैसा लगा यार ज़रूर बताना, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे यार, और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, है ना। तो भाई हमारा प्रयास है कि काम बने, हम तो खुद दूसरे का काम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करें, हमारी और उनके बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई है, इस वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्द एक नई मशीन वाले को लेकर आएँ और उनके थ्रू करवाएँ, तब हमें ज़रूर पानी मिलेगा। मैंने यहाँ पर पहले भी बता दिया था 200 के आसपास पानी मिलेगा, मेरा जाँच आज तक कहीं भी फैल नहीं हुई है ना होगा। इस बोर में भी मैं बोल दिया था 200 फीट के आसपास में जाएगा, और ये देखो 165 फीट के आसपास गया है और पत्थर चेंज हो गई है, एकदम काला पत्थर आया, काला के बाद हल्का से कैया पत्थर आएगा, फिर पानी लगेगी, रकम पानी चलना था, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले को शायद ही मंजूर नहीं है, है ना, लेकिन मंजूर होगा उसको भी, हमारी दलील सुनेंगे, ठीक है। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं यार, तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दीजिए, जय जोहार।